नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। दोस्तों, बात करेंगे आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका, रसोईया, इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर के। आखिर क्यों अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया? आखिर किस कारण से मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्या आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपने काम को छोड़ दे या फिर से एक बार आंदोलन करें? तो आप सभी कर्मचारियों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अपडेट दिया गया है, जिसमें आप सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय के साथ साथ उस सारी सरकारी सुविधाओं का भी लाभ देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आशा, आंगनबाड़ी सेविका और रसोइयों की। तो इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन सभी कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय के साथ साथ उन सभी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का भी लाभ इन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा और इनके मानदेय में जो है बम्पर वृद्धि की जाएगी। टोटल आप सभी के मानदेय में 100% की वृद्धि फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है और आप सभी को इसका लाभ 1 दिसंबर से देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ANM GNM की, तो इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है, यानी आपकी जो 20,000-22,000 की मानदेय थी वह मानदेय राशि आप सभी को अब 33,000 रुपये से लेकर के स्टार्टिंग मानदेय होगा। यह जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हर राज्य की आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका, रसोईया, इन सभी कर्मचारियों को यह ऐलान हुआ है और 1 दिसंबर से सभी को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।